इधर आ। अगर से मैं आपको बोलूं कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे टाइप के एड अकाउंट्स अवेलेबल है जो अगर से आप यूज करते हो तो वो कभी भी बैन नहीं होते, तो आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे? सो एनीवेज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एजेंसी एड अकाउंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि एजेंसी एड अकाउंट्स होते क्या है, ये बैन होते हैं या नहीं होते हैं, वो सब कुछ चीजें, और कौन से टाइप के बिजनेस ओनर्स को, कौन से टाइप के ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स को, या फिर कौन से टाइप के कोचेस कंसल्टेंट्स को इस टाइप के एजेंसी एड अकाउंट्स लेनी चाहिए। अभी गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यार, अगर से आप लोग बहुत ज्यादा फेसबुक का बैनिंग फेस कर रहे हो ना, मतलब अगर से आपके डिवाइस में ऑलरेडी फेसबुक की बैनिंग हो चुकी है और सेम डिवाइस के अंदर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन का जब प्रोफाइल डाल रहे हो, बीएम वगैरह बना रहे हो, तो इंस्टेंटली फेसबुक आपको फिर से बैन दे रहा है। कंटिन्यूअसली बैनिंग 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 का प्रॉब्लम अगर आपके साथ में फेसबुक एड्स के अंदर चल रहा है, तो भाई इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए सोल्यूशन लाया है। इस टॉपिक के ऊपर पूरा हम लोगों ने कोर्स बना के रखा हुआ है जहां पर आपको डिटेल में सिखाया जाएगा कि कैसे आप एक ही डिवाइस के ऊपर 100 से ज्यादा बिजनेस एड अकाउंट्स, प्रोफाइल्स एंड बिजनेस मैनेजर का सेटअप कर सकते हो और अपनी एड्स को रन कर सकते हो विदाउट बैन किए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको एक मतलब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसके अंदर ये नहीं सिखाया गया है इस कोर्स के अंदर कि कैसे आप मतलब जो आपके बैंड रेस्ट्रिक्टेड पेजेस और प्रोफाइल्स वगैरह उनको कैसे अनरेस्ट्रिक्ट करें, वो नहीं सिखाया गया, वो इम्पॉसिबल चीजें मेरे लिए, या फिर वो सिखाना भी, या फिर वो मेरे को आता भी नहीं है पर्सनली, तो वो नहीं सिखाया गया। लेकिन अगर से ऑलरेडी बैन हो चुका है, कंटिन्यूअसली बैनिंग वैनिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और सेम डिवाइस पर आपको बहुत सारे मल्टीपल एड अकाउंट्स प्रोफाइल्स वगैरह सेटअप करने हैं जिसका थोड़ा सा बैनिंग होने का चांसेस आगे चल के कम रहे, तो वो सेटअप जो होता है कम से कम कॉस्ट के अंदर हमने आपको सिखाया है। सो अगर से आपको इस कोर्स के अंदर एफबी बैन सॉल्यूशन कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। सो गाइस, अभी बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक की, जो है एजेंसी एड अकाउंट। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर जो भी एड अकाउंट्स क्रिएट होते हैं वो जो होते हैं वो नॉर्मल या फिर रेगुलर एड अकाउंट्स होते हैं, जो सब पूरे जितने भी लोग होंगे सबको ये अलॉट हो जाते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल और रेगुलर अकाउंट्स होते हैं। लेकिन एजेंसी एड अकाउंट क्या होते हैं वो हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। सो एजेंसी एड अकाउंट्स जो है वो ऐसे बीएम्स के अंदर अलॉट किए जाते हैं, जो बीएम्स में समझ लो अभी कोई एजेंसी है, पर्टिकुलर कोई एजेंसी है जो लोगों के लिए एड्स लगाती है, ठीक है, तो उनके पहले नॉर्मल बिजनेस मैनेजर होता है, नॉर्मल एड अकाउंट्स वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन अगर से उस पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर के अंदर पास्ट 180 डेज के अंदर अगर से 5000 यूएसडी के ऊपर स्पेंड हो चुका होगा, प्लस अगर से उस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऑलरेडी कुछ 10 पेजेस होंगे जो पास्ट 90 डेज के अंदर अपना $100 के ऊपर हर एक पेज के ऊपर स्पेंड हो चुका होगा अमाउंट, प्लस अगर से उस बिजनेस मैनेजर ने सब कुछ पॉलिसीज अभी तक फॉलो करके रखी होंगी, एक भी बार उनके एड्स रिजेक्ट वगैरह नहीं होंगी, और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जब ये पूरे रिक्वायरमेंट्स एक पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर जो होता है वो फॉलो कर लेता है, उसके बाद में फेसबुक जो है खुद ही इस बिजनेस मैनेजर वाले ओनर को अप्रोच करता है और बोलता है कि देखो आपने अभी तक ऐसा ऐसा काम किया हम लोगों के साथ में, इसलिए हम जो है आपको एजेंसी एड अकाउंट्स अभी अलॉट करना चाहते हैं, आप एज अ एजेंसी हम लोगों के साथ में काम करोगे, ठीक है। सो अभी कैसा होता है, हम लोगों को तो ऐसे एड अकाउंट्स मिलते नहीं क्योंकि हम इतना कॉम्प्लाई करते नहीं है फेसबुक के साथ में, प्लस बैनिंग वैनिंग हमारा बीच में हो जाता है उतना अमाउंट स्पेंड होने के पहले, तो हमको तो नहीं मिलता। लेकिन कोई जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े एजेंसी वगैरह होते हैं, उनको एजेंसी एड अकाउंट्स अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम तो नॉर्मली कभी एजेंसी एड अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो इस केस में कैसा होता है कि अपन जो होते हैं ये देखो, जिनको एजेंसी एड अकाउंट्स मिल जाते हैं, जिन बिजनेस मैनेजर को, जिन ओनर्स को एजेंसी एड अकाउंट्स मिल जाते हैं, तो उनको एक या दो नहीं मिलते, उनको एकदम 2000-2500 ऐसे इतने सारे एजेंसी एड अकाउंट्स मिलते हैं, तो उतने एजेंसी एड अकाउंट्स का वो करेंगे भी क्या, तो वो क्या करते हैं अपने जैसे जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, कोचेस कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स ओनर्स वगैरह होते हैं, उनको ये एजेंसी एड अकाउंट्स रेंट पे देते हैं, ठीक है। अभी रेंट के अकॉर्डिंग कैसा होता है कि एक तो आपको ये हर एक कोई कोई ऐसे एजेंसी होती है जो आपको मंथली चार्ज करती है एक एड अकाउंट का, ठीक है, कोई कोई ऐसी एजेंसीज होती है जो आपको वन टाइम चार्ज करेंगी, प्लस हर एक मंथ हर एक आपके जो एड स्पेंड होते रहता है उसके ऊपर कुछ 5-7% अलग से आपको चार्ज करेंगी, कुछ कुछ ऐसी एजेंसीज होती है जो आपको एड अकाउंट तो फ्री में दे देती है लेकिन फिर जो चार्जेस होते हैं मंथली स्पेंड के ऊपर वो 7-10% तक ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इन लोगों से एजेंसी एड अकाउंट्स ले सकते हैं। बाकी एजेंसी एड अकाउंट्स के ट्रस्टेड सप्लायर्स और ट्रस्टेड सोर्सेस अगर से आपको चाहिए होंगे, तो भाई मैंने जिस कोर्स के बारे में आपके साथ में बात की है एफबी बैन सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने ये ट्रस्टेड सोर्सेस भी देके रखे हैं जहां से आप एजेंसी एड अकाउंट्स ले सकते हो। क्योंकि कैसा होता है ना, एजेंसी एड बहुत से लोग ऐसे स्कैमर्स भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास में एजेंसी एड अकाउंट्स है, फिर आप उनको पैसे दे दोगे, फिर वो पैसे लूट के आपके भाग जाते हैं, फिर आपसे कभी भी बात नहीं करते, तो ऐसा भी सीन बहुत बार होता है, हमारे साथ भी ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। सो इन सबसे बचने के लिए हमारा जो कोर्स है एफबी बैन सॉल्यूशन का, उसके अंदर हमने एजेंसी एड अकाउंट्स की भी बात की है और एजेंसी एड अकाउंट्स के जो भी ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं उनके नंबर्स भी देके रखे हुए हैं। ओके, तो ये होते हो गया कि एजेंसी अकाउंट्स होते क्या है और एजेंसी अकाउंट्स मिलते क्या है। लेकिन अभी इसके ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो रेगुलर अकाउंट्स में नहीं होते। तो कैसा होता है ना गाइस, एजेंसी अकाउंट्स के अंदर जो
होता है आपको लिमिट नहीं होती कभी पैसा स्पेंड करने की, आप जितना चाहो उतना पैसा स्पेंड कर सकते हो उसके अंदर प्लस अगर से, और वो भी डे वन से ही कर सकते हो ठीक है। और प्लस कैसा होता है कि उसके अंदर अगर से कभी आपकी समझ लो उसमें कैसा होता है अपने को पैसा लोड करना पड़ता है अपने वॉलेट के अंदर, जो भी अपने ऐड अकाउंट का वॉलेट है उसके अंदर पैसा लोड करना पड़ता है। तो लेट से आपने कुछ $2,000 वगैरह लोड कर दिया ठीक है, अभी $2,000 वगैरह लोड करने के बाद में लेट से आपने $1,000 तक स्पेंड किया और फिर आपका ऐड अकाउंट में भी वो बैन हो गया, जो एजेंसी ऐड अकाउंट होता है वो बैन हो गया ठीक है। सो उस केस में कैसा होता है, तो एजेंसी होती है ना वो अपने को वो पैसा एक तो रिफंड भी करवाती है किसी किसी केस में, या फिर अपने को नया ऐड अकाउंट देती है, उस नया ऐड अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर भी डाल देती है। तो उससे उसमें कैसा होता है अपना पैसा कभी इसमें अटकता नहीं, क्योंकि यार अगर से आप अपना प्रीपेड अकाउंट ही देख लो, रेगुलर प्रीपेड अकाउंट में अगर से आपने 10-15 हज़ार रुपए एक बार लोड कर दिए तो भाई वो अगर से बैन हो गया तो वो अटक गया, फिर फेसबुक आपका पैसा खा लेगा ठीक है राइट। सो इस टाइप से सिस्टम होता है, लेकिन एजेंसी ऐड अकाउंट्स में ये चीज नहीं होती। प्लस एजेंसी ऐड अकाउंट्स का और क्या बेनिफिट है, यहाँ पर आपको जो बैनिंग के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं अगर से आप प्रॉपरली फेसबुक की पॉलिसीज फॉलो करोगे तो। अभी देखो रेगुलर ऐड अकाउंट्स में कैसा होता है, जब आप स्केलिंग वगैरह करने जाते हो तो एकदम से आपके ऐड अकाउंट्स बैन होते हैं, रैंडम बैनिंग कर देता है, कुछ रीजन नहीं होता, आपने पूरा पॉलिसी कंप्लाई करके रखा है फिर भी आपको बैन कर देता है, इसको रैंडम बैनिंग्स बोलते हैं। लेकिन वैसा रैंडम बैनिंग्स कभी भी एजेंसी ऐड अकाउंट्स में होता नहीं है ठीक है। देखो एजेंसी ऐड अकाउंट्स में बैनिंग होगा लेकिन ऐसा रैंडम नहीं होगा ठीक है, अगर आपने पॉलिसी वगैरह फॉलो करके रखे तो आपको इसमें बैनिंग नहीं होने वाला है। उसके बाद में एजेंसी ऐड अकाउंट्स का एक और बेनिफिट क्या होता है कि ये जो एजेंसीज होती है ना, जिनको भी एजेंसी ऐड अकाउंट्स अलॉट करके रखे होते हैं, इनको इनका फेसबुक के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो इनकेस अगर से कभी गलती से कुछ बैन भी हो गया तो वो फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बात करके जल्दी से आपका जो अकाउंट वगैरह है वो रिकवर भी करवाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अपन तो सपोर्ट से बात करेंगे, फिर सपोर्ट बोलेंगे भाई इंटरनल टीम में चल रहा है आपका, 5-6 दिन लगेंगे, 10-15 दिन और फिर महीना साल निकल जाता है, वो इंटरनल टीम क्या पता सोती है कि क्या करती है, अपने को उनका कुछ रिप्लाई नहीं आता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में इनका कनेक्ट होता है एजेंसी वालों के साथ में, और वो जल्दी से इशू अपना वहां पे बताते हैं, जल्दी से उनको सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर अपना ऐड अकाउंट भी जल्दी से वापस रिकवर हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है गाइस एजेंसी ऐड अकाउंट्स के। अभी गाइस ये तो हो गए बेनिफिट्स, लेकिन एजेंसी ऐड अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ मार्केट के अंदर मिथ्स भी है। बेसिकली दो मिथ्स एजेंसी ऐड अकाउंट्स के रिलेटेड है। पहला ये है कि भाई ये बिल्कुल भी बैन नहीं होता, ऐसा नहीं है। देखो अगर से आप कुछ गलत करोगे, गलत काइंड ऑफ प्रोडक्ट अगर से फेसबुक के ऊपर इस एजेंसी ऐड अकाउंट्स की हेल्प से सेल करोगे तो आपका ये जो पेज होता है, ये जो सॉरी ऐड अकाउंट होता है वो भी बैन होने वाला है। तो आपको एजेंसी ऐड अकाउंट्स यूज करने के बाद में ऑफ कोर्स उसमें फेसबुक के पॉलिसीज आपको मतलब जो भी है वो पूरे उनके रूल्स के साथ में एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के साथ में कंप्लाई जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो एजेंसी ऐड अकाउंट्स भी बैन होते ही होते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं होते, बट ऐसा नहीं है, एजेंसी ऐड अकाउंट्स के भी बैन होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर भी। और इसमें एक चीज और होती है कि इसमें आपके एड्स वगैरह भी रिजेक्ट होते हैं अगर से वो पॉलिसी के साथ में कंप्लाई नहीं करते हैं तो यस अपने को पूरा फेसबुक के साथ में पॉलिसी के साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा और फिर ही अपने एजेंसी ऐड अकाउंट्स यूज करना पड़ेगा। ये हो गया पहला मिथ। उसके बाद में गाइस यहां पर दूसरा मिथ ये आता है कंसिस्टेंट रिजल्ट। लोग बोलते हैं कि जब एजेंसी ऐड अकाउंट्स आप यूज करते हो तो इसमें कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं, मतलब डे वन में अगर से आपको 10 का रोएस आया तो अगले दिन भी 9 का आएगा, 11 का आएगा, फिर 10, 9, 11, ऐसा मतलब कंसिस्टेंट आपके रिजल्ट चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, वो सब कुछ इन देंड अपने प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट पेज कॉपीज के ऊपर, प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर और जो अपना फेसबुक का वीडियो एड क्रिएट है उसके ऊपर आपका कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एजेंसी ऐड अकाउंट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर चला लो तो आपको ये कंसिस्टेंटली 10 का रोएस आया तो फिर महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, जिंदगी भर आपको 10 का ही रोएस देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें कुछ कंसिस्टेंट रिजल्ट वाली बात नहीं है। आपका प्रोडक्ट, आपका जो क्रिएटिव होता है, आपका जो भी डेटा वगैरह होता है वो सही होना चाहिए, तभी किधर जाके आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद में गाइस सबसे मेन सवाल ये आता है कि भाई एजेंसी ऐड अकाउंट्स लेना किसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्टिंग तो हमारी एक्स्ट्रा की जाती है राइट। सो यहाँ पर मैं आपको 3 केसेस में एजेंसी ऐड अकाउंट्स को रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट केस है कि अगर से आपके पास में बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए तो यार आप स्टार्टिंग से ही एजेंसी ऐड अकाउंट्स के साथ में काम करो, क्योंकि ये जो रेगुलर ऐड अकाउंट्स होता है उसमें बैनिंग का बहुत चक्कर चल जाता है, फिर बाद में आपको बहुत इसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर आपके इसमें हाई इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा बजट आपका है पूरे बिजनेस के लिए, तो आप स्टार्टिंग से ही एजेंसी ऐड अकाउंट्स यूज कर सकते हो। सेकंड, आपको एजेंसी ऐड अकाउंट तब यूज करना चाहिए गाइस, मतलब एक और कंडीशन है सेकंड वाली ठीक है, कि अगर से फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे मार्केट के अंदर आपके रेगुलर ऐड अकाउंट्स जो होते हैं, नॉर्मल ऐड अकाउंट जो आप क्रिएट करते हो उसके अंदर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट कर लिए, फिर आपको एक दो विनर मिल गए, तो ये जो विनर प्रोडक्ट्स है इनके लिए आप स्पेसिफिकली एजेंसी ऐड अकाउंट्स लो और अपने विनर प्रोडक्ट को एजेंसी ऐड अकाउंट्स के ऊपर रन करो। क्योंकि उसमें कैसा होता है, स्केलिंग आप फटाफट कर सकते हो, आपको उसमें कोई लिमिट नहीं होती पैसों की, बैनिंग के चांसेस वगैरह कम होते हैं, तो रिजल्ट्स भी आपको अच्छे आने लग जाते हैं ठीक है। तो इस केस में भी आप जो है एजेंसी ऐड अकाउंट्स को ले सकते हो। और थर्ड केस ये है गाइस कि भाई अगर से आप कोई भी प्रोफाइल डाल रहे हो अपने डिवाइस के अंदर वगैरह और वो एकदम से बैन नहीं हो रहा है, रैंडम बैनिंग आपके डिवाइस के ऊपर चलती रह रही है, तो उस केस में भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एजेंसी ऐड अकाउंट्स लेने ही चाहिए। तो ये था गाइस सब एजेंसी ऐड अकाउंट्स का। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि भाई बैनिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है और हम लोगों ने आपके लिए बैनिंग का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। अगर से आप हमारे फेसबुक बैन सॉल्यूशन के कोर्स में जो है एनरोल करते हो, जिसका मैंने लिंक नीचे दिया है, सो उसमें एनरोल करने के बाद में आपको कभी भी फेसबुक बैन की वजह से, एफबी बैन की वजह से बीच में अपना बिजनेस स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली रनिंग में रहेगा चाहे वो बैन हो जाए। क्योंकि अगर से एक सेटअप आपका बैन भी हो गया तो आपके पास में बैक के अपने 2-3 सेटअप्स रहेंगे जिनसे आप अपने एड्स को रिज्यूम कर सकते हो। तो इसलिए इस कोर्स में एनरोल करना मत भूलना। प्लस यहाँ पर ₹1000 का एक ऑफ भी चल रहा है, जो डिस्काउंट जो कोड है वो मैंने लैंडिंग पेज के ऊपर देके रखा है, तो आप उसको जरूर चेकआउट करना। बाकी गाइस, अगर से आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर से आपको ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक एड्स के कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।